पता है इन्फिनिटी वॉर में जब टोनी थानोस पर एक शिप का पार्ट गिराता है तो थानोस उस शिप को तोड़कर बैट्स में कन्वर्ट करता है। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तब थानोस ने पहले पावर स्टोन की मदद से उस शिप को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और फिर रियलिटी स्टोन की मदद से उसको बैट्स में कन्वर्ट किया। दो ऐसे विलन्स जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकर को तोड़ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रेकर बना है उरु मेटल से जो एमसीयू का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। इसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ रोका था और थानोस को दो बार चीर के रख दिया था। तो नंबर वन पर है हेला, जो कि हम सभी ने देखा है कि कैसे उसने म्योलनीर को तोड़ा था सिर्फ अपने हाथों से। और नंबर टू पर है वांडा, तो जब वो थानोस से लड़ रही थी तब उसने थानोस की स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया था जो कि बनी थी उरु मेटल से। मतलब वो म्योलनीर और स्ट्रॉन्ग ब्रेकर दोनों को भी तोड़ सकती है। पर टोनी ने पेपर के सूट के लिए पर्पल कलर ही क्यों सिलेक्ट किया? उसके लगभग सारे सूट्स रेड कलर हैं, तो फिर उसने पर्पल कलर ही क्यों सिलेक्ट किया? तो आयरन मैन 1 मूवी में इस सीन में जब पेपर ने पर्पल कलर का ड्रेस पहना था तो उसे देखकर हमारे टोनी भाई पिघल गए थे। और वो पहली बार हुआ था कि टोनी के दिल में पेपर के लिए कुछ फीलिंग्स जाग उठी थी, इसलिए उसने उसके सूट के लिए पर्पल कलर सिलेक्ट किया। टॉप 6 हाईएस्ट सुपर हीरो ग्रॉसिंग फ्रेंचाइजेस कौन से हैं? तो नंबर 6 पर है कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइज, जिसने $2.23 बिलियन गेन किए हैं। 5th पर है आयरन मैन फ्रेंचाइज, जिसने $2.41 बिलियन गेन किए हैं। और जब से आयरन मैन की डेथ हुई है ये फ्रेंचाइजेस आगे बढ़ने वाले तो नहीं हैं। 4th पर है सुपरमैन फ्रेंचाइज, जिसने $2.55 बिलियन गेन किए हैं। वैसे सुपरमैन की सोलो मूवी देखे हुए काफ़ी साल हो गए हैं। 3rd पर है थॉर फ्रेंचाइज, जिसने $2.61 बिलियन गेन किए हैं। वैसे ये इतने ऊपर इसलिए है बिकॉज ऑफ लव एंड थंडर। नंबर 2nd पर है बैटमैन फ्रेंचाइज, जिसने $6.84 बिलियन गेन किए हैं। और नंबर 1 पर है स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज, जिसने $9.78 बिलियन गेन किए हैं। कमेंट करो तुम्हारा फेवरेट कौन सा है।